कर्स ऑफ गॉडसाई। भावलोक, तुम्हें मालूम है गॉडसाई की बैटल में दो बार इसी जगह में टारगेरियन सिविल वॉर की महाभारत देखी थी, वो भी चचा और भतीजे का ही पंगा। और टायरनी इज दैट कि हर बार जीत इस बैटल में चचा को ही मिली है और भतीजा मारा गया है, वो भी बुरी तरह अपने चचा के हाथों। एक थी बैटल बिनीथ द गॉडसाई और एक थी बैटल अबव द गॉडसाई। ड्यूरिंग द 43 AC जब मेगा और टारगेरियन ने सत्ता छीन ली थी एगोन द अनक्राउन्ड से, जो एनीज वन का बड़ा बेटा था और एगोन द कॉन्करर का पोता था, तब इस बंदे ने दोबारा से जो राइटफुल एयर था आयरन थ्रोन का वापस लेना चाहा अपनी सत्ता, क्योंकि उस टाइम किंग मेगोर किंग्स लैंडिंग पर नहीं मौजूद था काफी लंबे समय से। तो एगोन की मां और एगोन ने मिलकर तख्ता पलट करना चाहा और एगोन अपने साथ भारी भरकम सेना 15,000 सोल्जर्स लेकर किंग्स लैंडिंग की ओर चढ़ाई कर दी, जिसकी भनक मेगोर द क्रूअल को पता लग चुकी थी और उसने तुरंत वापसी करी, तुरंत एक्शन लिया। इसकी आर्मी एगोन जितनी बड़ी नहीं थी मेगोर द क्रूअल की, लेकिन मेगोर काफी हाई एक्सपीरियंस बैटल कमांडर था और अच्छा ड्रैगन राइडर भी था, क्योंकि उसने बहुत सी बैटल्स लड़ी थी बचपन से ही। उसका जो रुचि थी वो लड़ाई झड़ाई मार काट में ही थी और काफी रॉयल बैटिंग में पार्टिसिपेट भी कर रखा था इसने, जिस वजह से उसे काफी एक्सपीरियंस था। जिसने बलेरियन को क्लेम किया था, बलेरियन द ब्लैक ड्रीड जैसा हाई फाई ड्रैगन का एडवांटेज था इसके पास। लेकिन दूसरी तरफ एगोन ना ही अच्छा एक कमांडर था और ना ही उसका अच्छा ड्रैगन था और ना ही अच्छा ड्रैगन राइडर था। मात्र 17 साल का ये लौंडा, कौला लौंडा, जिसने ताजा अपने बाप का एनिस का ड्रैगन क्विक सिल्वर को क्लेम किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और दोनों चचा भतीजे गॉडसाई लेक पर भिड़ जाते हैं, जिस बैटल को नाम दिया गया बैटल बिनीथ द गॉडसाई। अनएक्सपीरियंस होने की वजह से मेगार ने इसकी भारी भरकम सेना को चुटकी में मसल दिया और बलेरियन द ब्लैक ड्रीड का साइज का एडवांटेज लेकर इसने एगोन सहित क्विक सिल्वर ड्रैगन तक को जला डाला और दोनों गिरते हैं और मर जाते हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि मेगोर ने एगोन को बहुत बुरा तड़पा के मारा था, यहां पर अपनी तलवार डार्क सिस्टर से उसकी आंख पे घोंप के मारा था। कोई कहता है कि ड्रैगन से गिरकर मौत हुई, तो जो भी हो, लेकिन मेगोर ने यहां पर एगोन को बुरी तरीके से मारा था। और यहां से मेगोर टारगेरियन ऑफिशियली मेगोर द क्रूअल करके जाना जाने लगा। अगेन गॉडसाई में फिर वही मंजर देखने को मिला ड्यूरिंग द डांस ऑफ द ड्रैगन्स, जो अभी हम हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 और सीजन 1 पर देख चुके हैं। आगे जाकर सीजन 3 में बैटल अबव द गॉडसाई देखने को मिलेगी, जिसमें एक बार फिर चचा और भतीजे आपस में लड़ेंगे, यानी डेमन टारगेरियन और एमंड टारगेरियन। जब किंग्स लैंडिंग पर रनीरा का कब्जा हो जाएगा तो गुस्से में एमंड रिवरलैंड के लगातार 13 दिन तक जलाएगा, क्योंकि रिवरलैंड के लोग ही ब्लैक्स की काफी मदद कर रहे हैं, दैट्स वाई उनके घर जलाकर उनसे बदला लेगा। और यहाँ डेमन एमंड को ओपन चैलेंज करेगा और 14वें दिन में एमंड उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और दोनों अपने अपने घातक ड्रैगन कराक्सिस और वेगार के साथ उसके ऊपर चढ़कर गॉडसाई लेक के ऊपर घमासान युद्ध करेंगे, जिसमें दोनों ड्रैगन की चीखने और चिल्लाने की आवाज दर्जनों मील तक सुनाई दे रही थी लोगों को। अकॉर्डिंग टू बुक आसमानों आग बरस रही हो, दोनों ड्रैगन जो एक दूसरे पर आग बरसा रहे हो, और थंडरिंग और लाइटनिंग, जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि बादल फट रहे हो, आसमान में पत्थरें लड़ रहे हो, बड़े बड़े घमासान युद्ध, उस बुरी तरीके से दोनों ड्रैगन ने एक दूसरे को घायल किया। देन कराक्सिस ने वेगार का गला अपने जबड़े में दबा लिया और वेगार ने अपने पंजों से कराक्सिस के पेट और पंख दोनों को फाड़ डाला। इतने में डेमन कराक्सिस से कूदकर वेगार के ऊपर चढ़ गया और अपनी तलवार डार्क सिस्टर से एमंड की आंख में घोंप कर उसे मार डाला, और दोनों अपने अपने ड्रैगन सहित पानी में गिरते हैं और चारों मर जाते हैं। तो बाबा गॉडसाई ने बैक टू बैक दो ब्रूटल वॉर देखी, वो भी अपने सगों के ही बीच में, जहां फॉर श्योर दोनों बैटल में भतीजा ही मारा गया, लेकिन सेकंड बैटल में चचा भी मारा गया है। बहुत हद तक बताया जाता है कि डेमन के अंदर भी वो मेगोर जैसी क्रुएलिटी ही थी, और जो हमने सीजन 1 में भी देखा, लेकिन सीजन 2 पर इतना डेमन पे फोकस नहीं कराया गया। लेकिन अपनी जब जवानी में था डेमन, भाई बहुत क्रूअल बंदा था, और ये हमने देखा भी, दैट्स वाई कि लोग इसके इतने फैन भी हुए थे। बहुत हद तक उसके लक्षण और गुण मिलते हैं मेगोर द क्रूअल के साथ, लेकिन मेगोर जिस हिसाब की क्रुएलिटी उसके अंदर थी, भाई ऐसा टारगेरियन अभी तक नहीं आया है जिन्होंने अपने भतीजे पर रहम नहीं किया, बुरी तरीके से मारा, अपनों को ही मारा है। तो ये दोनों बैटल्स थी बाबा, ये दोनों सिमिलैरिटीज थी मेगोर के टाइम पर और इतना डेमन के टाइम पर। सिमिलैरिटी ये थी कि भाई साहब मेगोर का जो एटीट्यूड था वो डेमन से मिलता था, और वो सिमिलैरिटी यहाँ पर ये भी है कि भाई साहब जो डार्क सिस्टर मेगोर यूज करता था वही डार्क सिस्टर डेमन टारगेरियन भी यूज करता है। और सिमिलैरिटी ये भी है कि गॉडसाई में ही ये जबरदस्त हमें बैटल देखने को मिली। सिमिलैरिटी ये भी है कि भाई साहब दोनों भतीजों को ही यहाँ पर मारते हैं। तो दैट्स वाई कि मुझे लगा कि एक कंपैरिजन वीडियो बनानी चाहिए। तो बाबा आपको कौन सी बैटल, कौन सा, अगर आपने बुक पढ़ी है तो कौन सी ज़्यादा घातक बैटल आपको लगी है यहाँ पर, और ये वीडियो आपको कैसी लगी? बाकी
कौन कौन एक्साइटेड है भाई साहब सीजन 3 के लिए गॉडसाई बैटल के लिए, स्पॉइलर हो गया। बाकी 2-3 दिन के बाद ही रॉबर्ट रेबेलियन पर एक वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट करी जा रही है कि उस पर वीडियो बनाई जाए। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।